चलिए, जिस तरह से हमने कॉस के क्वेश्चन देखे बिल्कुल उसी तरह से साइन के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे सपोज मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 2π/3, सबसे हाईएस्ट प्रैक्टिस आपको इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की करनी है। अब रिमेंबर, जैसे कॉस के लिए हमने कंसेप्ट बनाया था वैसे ही साइन के लिए बनाए कि साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो साइन इनवर्स एक्स में आपको पता है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1 एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -π/2 to π/2। यानी साइन इनवर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो -π/2 से छोटा आंसर नहीं होगा, +π/2 से बड़ा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो हम बोलेंगे एक्स, बट इस एक्स को -π/2 से +π/2 होना चाहिए। अब सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो सबसे पहले जो चीज क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर 2π/3 तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि 2π/3 जैसे ही आप बोलेंगे आपका आंसर π/2 को क्रॉस कर गया। यहां पे पाई का मतलब 3.14 है, तो अप्रोक्सीमेट ये -1.57 से +1.57 के बीच में हमें क्वेश्चंस को रखना है अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर ये 2π/3 नहीं होगा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π - π/3। सबसे पहले ये रिजल्ट पूरा इस रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए। पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2π/3 ही मिलेगा। एंड रिमेंबर साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। इनवर्स पे कमांड आने के लिए आपको लगभग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि हम नाम ही लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता तो आप उसका इनवर्स नहीं कर सकते। तो मैं आपको साथ में रिवाइज करवाता चल रहा हूँ, बट आपको भी एक बार अपने लेवल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन करना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले का प्रूफ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपने लिखा साइन π - π/3, अब आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन π/3 हुआ, राइट? अब फॉर्मूला लगाया तो रिजल्टिंग विल बी π/3। यानी आप, अब आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ऑप्शन ए 2π/3 लिखा होता, पर 2π/3 आंसर नहीं होगा, रिमेंबर π/3 होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर -π/2 से +π/2 होगा। कॉस इनवर्स एक्स रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर 0 से पाई होगा। टेन इनवर्स एक्स रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होगा। पहले हम एक एक टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद ही हम अगले पोर्शन पे आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रैक्टिस कंसेप्ट लॉजिक का टॉपिक है। अगर आपने इसमें जल्दी करा तो हो सकता है आपसे मिस्टेक होने लगे, तो केयरफुली करिए, एक एक क्वेश्चन को समझ के चलिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स, आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 4π/3, राइट? अब यहां पर सबसे पहले दिमाग में जैसे ही ये लिखा आया, मैं आपको बार बार बोलूंगा कि इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, यहाँ पर यह x होगा बट x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी। यानी साइन इनवर्स एक्सेलरेटेड क्वेश्चन का आंसर -π/2 से कम नहीं, +π/2 से ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हमें एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि 4π/3 तो आंसर नहीं है। अब आंसर क्या होगा तो हमें इसकी रेंज में रखना है। सबसे पहला काम साइन इनवर्स साइन पाई +π/3 लिखूं मैं, राइट? क्या लिखा मैंने? पाई +π/3 ऐड किया 4π/3। पहले ये रिजल्ट हमेशा रखिए, इसके इक्वल होना चाहिए, देन उसके बाद ऑपरेशन लगाएं। अब साइन पाई +थीटा इज -sin θ, और एक और फॉर्मूला जिसका प्रूफ अभी हम करेंगे, साइन इनवर्स -θ -sin θ। इस मीन्स कि यहाँ पर ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/3 माइनस साइन के साथ, राइट? ये मिला मुझे माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन π/3। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ π/3। देखिए ये रेंज में हम आ गए, और याद रखिए, फिर बोलूँगा -1.57 से अप्रोक्सीमेट 1.57 के बीच में आंसर रखना है।
तो कोई भी साइन बस एक्स का रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप इसी ऑर्डर से सॉल्व करेंगे, नो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 5π/6, राइट। सबसे पहले जैसे ही 5π/6 लिखा है, देखिए आप इसको एंगल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए सारा कंसेप्ट उसमें हमारा रेडियन पे। ये 150 डिग्री है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थॉट में आप डिग्री ला सकते हैं, बट राइटिंग में याद रखिएगा हमेशा रेडियन में ही मेजरमेंट होगा। इसका मतलब सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये तो नहीं होगा, राइट। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए अगर ये दिया तो कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, अगर मैं पाई बाई सिक्स लिखूं, पहले समझें दिस इज 5π/6 एंड साइन 180 माइनस थीटा। ये बार बार मैं इसलिए लिखता हूं कि आपके कंसेप्ट बने, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, इनवर्स से कैंसिल, दिस इज पाई बाई सिक्स। क्लियर है बात। सपोज क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 11π/6, मान लीजिए। थॉट प्रोसेस, सबसे पहले 11π/6 नहीं होगा, क्या होगा वो अपन देख रहे हैं, पर 11π/6 नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस कर गया पाई बाई टू को। हम क्या करेंगे, सिंपल साइन इनवर्स साइन 2π- अगर मैं पाई बाई सिक्स लिखूं तो 12-1 11 ही होगा, यानी रिजल्ट विल बी सेम। अब साइन 360-थीटा इज माइनस साइन थीटा, इस मीन्स क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स, राइट। देन साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, पाई माइनस सॉरी माइनस बाहर लिखा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, इनवर्स साइन कैंसिल, देन रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स। देखिए माइनस पाई बाई सिक्स आया, यानी हमारा जो स्केल है वो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, इसके बीच में जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट है, इसको क्रॉस करेगा वो आंसर रॉन्ग है, हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से टाइप को क्लियर कर लिया, इनवर्स का लॉजिक ही यही है, और वही मैं आपके साथ करने वाला हूँ। जो पैटर्न मेरा है पढ़ाने का बिल्कुल उसी पैटर्न पे पढ़ो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसे सपोज मैं क्वेश्चन दूं साइन इनवर्स साइन 2, ये सबसे हाईएस्ट मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, एकदम से हम लिख देते हैं 2, बट ध्यान दीजिएगा 2 1.57 को लगभग क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो 2 आंसर ना लगा दें, बाय मिस्टेक भी 2 ना लगाएं। अब क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2, यस और नो, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा तो ये इक्वल टू साइन 2 ही रहेगा, यानी ये रिजल्ट है। अब अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो पाई माइनस 2, देखिए पाई माइनस 2 से क्या हुआ, पाई मतलब 3.14 माइनस 2 यानी 1.14 हमारा आंसर गिवन रेंज में आ गया। एक आप चार्ट बना लो, जैसे साइन इनवर्स के क्वेश्चन करो, साइन से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टीज आए वो साइड में लिखते चलो, आप इस पैटर्न क्वेश्चन का टाइप को पकड़ो, तो साइन से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टी है जैसे मैं कर रहा हूं लिखता जाऊंगा, उससे आपके कंसेप्ट अपने आप बनते जाएंगे। तो आप देखिए 1.14 के आसपास आ गया, यानी हम जो चाहते थे उस रेंज में हम आ गए। जैसे सपोज क्वेश्चन हो साइन इनवर्स सपोज साइन 4, राइट, सपोज साइन इनवर्स साइन 4, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये 4 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दिमाग में अगर यही वाला कंसेप्ट लगा दिया आपने तो इसमें क्या दिक्कत है वो भी समझाता हूं, मिस्टेक क्या होती है। अगर आपने करा पाई माइनस 4 तो ये हो सकता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। पाई माइनस 4 करा तो ये है पाई माइनस 4 यानी 3.14-4, यानी हम उसकी रेंज में जा सकते थे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब हम यहां पर इसको लिख सकते थे पाई माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
क्योंकि साइन का आंसर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो यहां पर एक तरह से 3.14 माइनस ऑफ 4 हुआ, राइट। अब 3.14 माइनस ऑफ 0.4 हुआ यानी माइनस 0.86 के आसपास जो इस रेंज में आता है ये हो सकता था, राइट। तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, केवल हम जस्ट कि हम ये समझ पाए कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। अब सपोज क्वेश्चन ये है, साइन इन बस मान लो साइन 10, राइट, ये आया हुआ क्वेश्चन भी आईआईटी में। अब इसका आंसर सबसे पहले इस तरह के होते हैं, 10 पाई माइनस 10, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट 2 पाई माइनस 10 मे बी कि 3 पाई माइनस 10 लाइक दिस। अगर मैं लॉजिक से देखूं 10 नहीं हो सकता था, पाई माइनस 10 भी नहीं हो सकता था क्योंकि 3.14 माइनस 10 करोगे, 2 पाई माइनस 10 भी नहीं हो सकता था, यानी इसी की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि 3 × 3.14 माइनस ऑफ 10 मतलब 9.42 माइनस 10 यानी माइनस 0.58 के आसपास ये हमारी रेंज में आता है, बाकी तो कोई रेंज में ही नहीं आते। तो कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी लॉजिकल आंसर दे सकते हैं, डिपेंड आपके लॉजिक्स कितने स्ट्रांग हैं और ऑप्शन कितने नियर हैं। इसका मतलब हम इसमें एक चीज याद रखें, गलती से भी 10 तो लिखे ही ना, अब क्या करें। देखिए 2 पाई माइनस 10 करने पे क्या होता है, 6.28 माइनस 10 ये आपका लिमिट 1.57 और माइनस 1.57 से बाहर हो जाता, आउट हो जाता, इसलिए 2 पाई नहीं लिख सकते। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स, अब इनमें से मैंने ये ऑप्शन तो ऐसे लिखे हैं रैंडम, ये पॉसिबिलिटी है क्या होगा वो अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हम इसको सबसे पहले लिखे हैं साइन, सपोज मैंने लिखा 3 पाई माइनस 10, राइट। पहले तो ये बताइए कि साइन 3 पाई माइनस 10 होता क्या है, ये समझना जरूरी है। तो साइन 3 पाई माइनस 10, ये बार बार दिक्कत ना आए तो एक तरीका आप ऐसा फॉर्मूला भी बना लें, साइन एन पाई माइनस थीटा, राइट। एन की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा ये पॉजिटिव, क्योंकि पाई माइनस थीटा पॉजिटिव, 2 होगी नेगेटिव, 3 होगी पॉजिटिव, 4 होगी नेगेटिव, 5 होगी पॉजिटिव, यानी हम माइनस वन की पावर एन प्लस 1 इंटू साइन थीटा लिख लें। अब जैसे साइन 3 पाई माइनस बोला है तो अगर मैं इस फॉर्मूले से करूं तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ही मिला, राइट। कंसेप्ट ऐसे डेवलप करे जाते हैं कि आप इसे लिखें साइन 2 पाई प्लस पाई माइनस 10। अब 2 पाई के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो ये एक तरह से पाई माइनस 10 का फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है यानी ये पॉजिटिव आ गया। तो अब आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते थे, क्या साइन एन पाई माइनस थीटा माइनस 1 पावर एन प्लस 1 इंटू साइन थीटा, राइट। अब देखिए क्या होगा, यहां पर ये बैलेंस है मतलब 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 10 ही होगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 10, यही राइट आंसर है। इज दैट क्लियर, नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 20, राइट। पाई जहां लिखा होता वो तो आसान होता है, इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है। अब सबसे पहले दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि आंसर 20 तो नहीं होगा। अब आप इसको कहां तक ले जाएं, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 5 पाई करोगे तो पाई को आप 3 ही मान लो थोड़ी देर के लिए, पाई मतलब 3.14, तो अगर 3 मानते तो 15 माइनस 20 बैक आप कम हो जाता है, आप 6 ले लो यहां पर। यानी सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन 6 पाई माइनस 20, पहले बैलेंस करें। अब अभी अगर हम इसमें 6 रख दें तो माइनस आएगा, इसका मतलब यहां बाहर मुझे माइनस भी लेना होगा। ध्यान रखिएगा इस पूरे का रिजल्ट इक्वल टू दिस होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो गलत हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से 6 पाई माइनस नहीं लिख सकते। तो साइन 6 पाई माइनस जब 20 किया तो नेगेटिव आ रहा था, आप इसको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस 20, ये ट्रिक है। 4 पाई मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई, 2 पाई माइनस थीटा माइनस होता है इसलिए माइनस उसको बैलेंस करेगा। अब सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस आएगा, इसका मतलब ये हुआ माइनस साइन इनवर्स साइन
6 पाई माइनस 20, राइट। अब क्या हुआ, इनवर्स से साइन कैंसिल, तो माइनस ऑफ 6 पाई माइनस 20 या 20 माइनस 6 पाई, दिस इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअली समझें तो 20 माइनस 6 इंटू 3.14, ये 18 पॉइंट समथिंग में से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हम अपनी रेंज के अंदर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो साइन वर्स एक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसी फॉर्मेट में आंसर देंगे। आप 10 वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए पहले से। चलिए सपोज 10 वर्स एक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लो 10 इनवर्स 10 2 पाई माय 3, राइट। आप पहले एक समरी दिमाग में रखें, 10 इनवर्स 10x इक्वल टू x इफ x बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी माइनस पाई बाई 2 से छोटा आंसर नहीं होगा, प्लस पाई बाई 2 से बड़ा नहीं, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 या होल ले लें, ये इंक्लूड नहीं है, मतलब माइनस पाई बाई 2 से। एक जनरल कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है, तो ये 2 पाई बाई 3 तो आंसर नहीं होगा। ये जो चीज नहीं होगी उस पर सबसे पहले कट करने की आदत डालें, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट डेवलप हो। अब क्या होगा, 10 इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 3, सबसे पहले बताइए ये 2 पाई बाई 3 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 इस पूरे का रिजल्ट इक्वल टू दिस होना चाहिए। अब ये होगा क्या वो अलग चीज, या जब हम 10 को 2 पाई माइनस लिख रहे थे तो उस पूरे को सॉल्व होकर ही आना चाहिए, तो अभी तो ये बैलेंस है, राइट। अब 10 पाई माइनस थीटा 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ में भी निगेटिव होता है, केवल फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे 10 n पाई माइनस थीटा बोलूं तो हमेशा ही माइनस 10 थीटा होगा, राइट। अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि माइनस ऑफ, यह ऐसा लिखा जाएगा, 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 3, एंड रिमेंबर 10 इनवर्स जो कुछ फॉर्मूले इनवर्स के मैं यूज कर रहा हूं, इनके प्रूफ आप धीरे धीरे आगे आपको अपने आप ही मिलते जाएंगे। 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स थीटा, तो मैं इसको लिख सकता था माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3, इनवर्स से 10 कैंसिल तो रिजल्ट मिला पाई बाई 3, यानी नेट रिजल्ट इज माइनस ऑफ पाई बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, अगेन 7 पाई बाई 6 आंसर नहीं होगा। क्या होगा, हम सबसे पहले से क्या लिख सकते हैं वो देखें, 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6, राइट। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 7 पाई बाई 6, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पाई प्लस 6 थीटा इक्वल टू 10 थीटा, तो इसका मतलब ये मिला 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, आंसर इज पाई बाई 6। सपोज क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 13 पाई बाई 6, मान लो क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि 13 पाई बाई 6 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, 10 इनवर्स 10 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा मैंने, 12 प्लस 1 13, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, यानी आप इसको 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 भी लिख सकते थे, तो क्या हुआ पाई बाई 6। सपोज 10 इनवर्स 10 15 पाई बाई 2 हो, सपोज 10 इनवर्स 10 11 पाई बाई 3 है, राइट। क्या होगा, 11 पाई बाई 3 क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 10 इनवर्स 10 4 पाई माइनस पाई बाई 3, राइट। 12 माइनस पाई इज 11 पाई बाई 3, अच्छा 4 पाई माइनस 3 लिखा तो n पाई माइनस माइनस ही होता है, तो इसको लिखा 10 इनवर्स माइनस 10
पाई बाई थ्री। क्या होगा इससे, माइनस से माइनस कैंसिल, टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री मीन्स माइनस ऑफ पाई बाई थ्री। तो इस तरह से आप साइन कॉस टेन सेक कॉसेक के आंसर दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी आंसर आपकी रेंज से आउट नहीं होना चाहिए, राइट। ये हुआ अपना एक टाइप। अब इसमें एक और टाइप का फॉर्मूला बताया था, उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम वो देखते हैं। फर्स्ट इसको नोट करिए आप। चलिए इसी फॉर्मूले की नेक्स्ट टाइप पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टाइप पे बात करें, सपोज इस तरह का क्वेश्चन आए, साइन इनटू कॉस इनवर्स सपोज 4/5 इवैल्यूएट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहां पर लगेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन टू प्लस वन। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर वो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते जो डिफाइंड ना हो, तो यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे cos inverse एक्स इज एक्स, दिस इज ऑल्सो माइनस वन टू प्लस वन लाइक दिस। जैसे tan inverse एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, राइट। अब बाहर साइन है अंदर कॉस है। सबसे पहले इसे मैं आपको बताता हूँ मेथड से कैसे करना है, बाकी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट लिख, क्योंकि ये दिख रहा है आपको बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब आपको एक चीज़ क्लियर होगी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये थ्री, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बोलते हैं 3/5। बट अभी कैसे करेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले कॉस इनवर्स 4/5 को आपने सपोज एक्स एज्यूम किया, तो क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू 4/5, एक राइट ट्रायंगल लिया एक्स का, तो ये 4 है, बेस हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर 3 हो गया, यानी आप साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3/5 मीन्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, राइट। वैसे डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां क्वेश्चन पे आए, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो साइन इनटू कॉस इनवर्स 4/5 को लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/5, तो रिजल्ट मिला 3/5 मीन्स राइट आंसर इज 3/5। वैसे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ साइन कॉस टेन क्या दिया है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वो देख के आप इन क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंटली करें, सब्जेक्टिव एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो एक एक स्टेप्स को भी प्रॉपरली लिखें, उसके बाद ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 10 into cos inverse 8/17। अब देखिए कॉस इनवर्स दिया तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी बेस 8 है, तो आप अगर इसको 10 में कन्वर्ट करें तो एक चीज समझिए, अपॉन में 8 आएगा ही आएगा, और 17 का स्क्वायर हो गया 289 माइनस 64 225, यानी इसका आंसर आ गया 15/8। आप मेंटली ऐसे कर सकते हैं, राइट। क्या किया मैंने समझिएगा, सबसे पहले कॉस इनवर्स 8/17 को आपने लिया ए मीन्स कॉस ए इक्वल टू 8/17, एक राइट ट्रायंगल जनरेट किया एंगल ए का, ये 8 है ये 17 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने जब परपेंडिकुलर निकाला तो ये हो गया 289 माइनस 64 दिस इज 225, यानी पी इज 15, राइट। इसका मतलब आप यहाँ पर चाहे तो साइन ए लिख सकते थे 15/8, यानी ए इक्वल टू, ये एज्यूम किया है ए इक्वल टू साइन इनवर्स 15/8, ए का वैल्यू डाला, ए का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स 8/17, तो कॉस इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 15/8, तो ये हो गया 10 इनटू कॉस इनवर्स 8/17 इक्वल टू 10 इनटू, अच्छा अपने को 10 में कन्वर्ट करना है,
तो सॉरी इसको 10 ही लिखना था मुझे, गलती से साइन लिख दिया, 10 ए है ये, 10 है राइट, बाय चांस ये हो गया। तो ये हो गया 10 इनवर्स 15 बाय 8, 10 से 10 वर्स कैंसिल, तो आंसर हो गया 15 बाय 8। ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप के। पिछली जो टाइप थी साइन इनवर्स, ये वाली टाइप में हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। इस वाली टाइप में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम लेते ही वो वैल्यू है जो ऑलरेडी डिफाइंड होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों टाइप को, दोनों के रिजल्ट एक्स होते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है क्वेश्चंस में, नोट डाउन।